वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज अपन रिलायंस कैपिटल स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। तो सभी जन जानते हैं कि रिलायंस कैपिटल के अंदर ट्रेडिंग को रिस्ट्रिक्ट किया है। किस वजह से किया है? क्योंकि वो लोग जो डेप जो लिया था वो रिपे नहीं कर रहा है, उसी की वजह से यहाँ पे आप देख सकते कि उन्होंने ट्रेडिंग को रिस्ट्रिक्ट किया। और उसी के ऊपर देखा जाए तो रिलायंस कैपिटल के ऊपर बिड भी लगाए जा रहे हैं। तो उसके ऊपर सबसे पहले हम लोग न्यूज चेक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि आखिर में कितना डेप्ट है कंपनी के ऊपर और कंपनी लॉस में जा रही है तो कितना लॉस जा रहे हैं हर साल, या फिर सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले न्यूज के ऊपर नजर डाली जाए तो रिसेंटली देख सकते कि तकरीबन 2 दिन के आएगा कि न्यूज कंपनी में रिलायंस कैपिटल लेंडर्स राइज बिड फ्लोर प्राइस। तो रिलायंस कैपिटल की जो लेंडर्स है वो भी यहाँ पे आप देख सकते कि बिड लगाने चाहते हैं रिलायंस कैपिटल के ऊपर। रिसेंटली रिलायंस कैपिटल के जो यहाँ पे देख सकते कि रिलायंस कैपिटल लेंडर्स हाइक एक्शन बेस प्राइस बाय नियरली 25%। तो रिलायंस कैपिटल के जो लेंडर्स है उन्होंने एक्शन का जो बेस प्राइस था 5,000 और 25% का यहाँ पे बढ़ चुका हुआ नजर आ रहा, हाइक हो चुका है 25% ऑफ मीन जो बेस प्राइस है वो यहाँ पे आप देख सकते 5,231 करोड़ का है। और यहाँ पे रिसेंटली देख सकते 25% ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है, हाइक देखने को मिल रहा है ऑक्शन के अंदर। तो रिसेंटली देख सकते कि बाकी कोई अपडेट तो नहीं दिखाने को मिल रहे। तो रिलायंस कैपिटल का चार्ट में भी कोई खास मोमेंटम नहीं क्योंकि ट्रेडिंग तो रेस्ट्रिक्टेड होती जा रही है स्टॉक के अंदर। तो देख सकते कि कंपनी का जो यहाँ पे बैलेंस शीट के ऊपर नजर डालोगे तो रिसेंटली देख सकते जो बोरोइंग जो कंपनी का है वो देख सकते कि 2011 में 20,000 करोड़ का था, वहां से देख सकते बढ़ के यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 46,000 करोड़ का हो चुका था मार्च 2018 और मार्च 2019 में। फिर वहां से कम होने के बाद रिसेंटली देख सकते कि 26,000 करोड़ का लोन है, वो जो लोन लिया है वो कम नहीं हो रहा है, रिसेंटली रिपे नहीं कर पा रहा है रिलायंस कैपिटल कंपनी। तो रिसेंटली देख सकते कंपनी लॉस भी जा रहे, तो कितनी लॉस जा रहे? तो देख सकते कि तकरीबन कंपनी जो है यहाँ पे आप देखोगे तो मार्च 2018 से लॉस जाने लगी है। तकरीबन देख सकते कि वहां से लॉस चालू हुआ है तो अभी भी कंपनी लॉस में, इस साल में भी 6,000 करोड़ का लॉस पा रही है कंपनी। तो इसी की वजह से देख सकते कंपनी के ऊपर बिड्स लग रहे, कंपनी जो डेप्ट लिया था वो फिर से नहीं दे रहे। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट रिलायंस कैपिटल के लिए।